हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पेंशन के बारे में, यानी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी भी दुकान में काम कर रहे हैं, यदि आपकी सैलरी से 12% यदि आपका पीएफ कटता है, इसमें एक सवाल आता है कि हमारे जो हमसे जो 12% पैसा जो कट रही है, हमें वो उसमें कितना पेंशन मिलेगा। आज का जो विषय है, इसी विषय में हम बात करेंगे कि हमें हमारे जो कटी गई पैसा में, हमारे पीएफ के द्वारा हमें कितनी पेंशन हमें मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेंशन कुछ भी मिले, चाहे 1,000 हो, 3,000 हो, 5,000 हो, 7,500 हो, कितने भी मिले, ये हमें पेंशन 58 साल के बाद ही मिले। यानी ईपीएस के द्वारा हमें पेंशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो जो क्राइटेरिया है वो है, हमें किसी भी कंपनी में हमें 10 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। यानी किसी भी कंपनी में हमें 10 साल तक सेवा करनी पड़ेगी, तभी जाके हम पेंशन के लायक बनते हैं। यानी तभी ईपीएस द्वारा हमें पेंशन दी जाएगी। तो वो पेंशन हमें कितनी दी जाएगी, तो इनमें जो पेंशन देने का जो मिनिमम जो वैल्यू है, यानी आप कम से कम आपको 1,000 रुपये मिलेगा और अधिक से अधिक आपको 7,500 मिलेगा। अधिक 7,500 ही क्यों मिलेगा, इसकी विषय में मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ में समझा दूंगा कि कौन से फॉर्मूला के द्वारा आप अपना पेंशन का जो स्केल है, जो मंथली जो आपको पेंशन मिलेगा वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। यानी पेंशन के लिए हमें किसी भी कंपनी में 10 साल तक सेवा करनी होती है, लेकिन एक्चुअली वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो सही नहीं है। एक्चुअली इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो है आपका 9 साल 6 महीने 1 दिन। यदि कोई व्यक्ति 9 साल 4 महीना या 9 साल 5 महीना यदि ड्यूटी करता है और किसी कारणवश यदि वो ड्यूटी नहीं करता है, तो इसे ईपीएस 9 साल ही काउंट करेगी। यानी इसे 9 साल ही मानेगी। यदि वो 9 साल 4 महीना या 9 साल 5 महीना अगर वो ड्यूटी करता है, यदि कोई व्यक्ति 9 साल 6 महीने और 1 दिन ही यदि ड्यूटी करता है, तो उस व्यक्ति के लिए वो उनका ईपीएस 10 साल मानेगी और उस डेट के साथ उनका पेंशन भी लागू होगा। हमारे पीएफ से कटी गई पैसों का या हमारे सैलरी के कटी गई पैसों का हमें पेंशन 58 साल के बाद ही मिलेगा। यानी काम करने के 58 साल बाद नहीं, हमारे एज के 58 साल मिलेगा। यदि हम किसी कंपनी में 10 साल काम करते हैं और हमारा जो एज है उस एज हिसाब से, जब हमारा एज जो 58 साल होगा, यानी कि 58 ईयर होगा, तभी तभी हमारा पेंशन शुरू होगा, यानी कि जारी होगा। यदि किसी कारणवश यदि हम उस पेंशन को जल्दी शुरू करना चाहते हैं, यदि हम उन्हें 50 साल की उम्र में ही, जब मेरा 50 साल हो तभी से यदि हम शुरू करें, तो इस एज में भी हम अपना पेंशन लागू कर सकते हैं। बशर्ते ये होता है कि हमारा जो परसेंटेज रेट है वो गिर जाता है। तो कितना गिर जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो परसेंटेज जो जो दर है वो 1 साल में 4% गिर जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल पर तौर समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा 2024 में 57 साल है, 2025 में मेरा 58 साल हो जाएगा और हमारा जो पेंशन है वो लागू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वो पेंशन मेरे 57 साल यानी कि 2024 में ही मुझे मिल जाए, तो हमें कितनी रुपया मिलेंगे। मान लेते हैं 2025 में मेरा 58 साल होगा और मेरा जो पेंशन का जो रेट है वो 1,000 बनता है, तो उसी का यदि हम उनका 4% लेस करें, तो 2024 में वही पेंशन हमें 24 में, यानी मेरा 57 साल में मुझे 960 रुपया मिलेगा, यानी कि 4% लेस करके हमें मिलेगा। यदि वही अगर 2000 अगर हम 23 में मांग करते, तो फिर 960 का हम 4% और कम मुझे मिलता। तो ये था उनका 50 साल में यदि आप लेते हैं, तो उसी हिसाब से आप 4-4% आप कटते जो हुए जाएंगे 50 साल तक। सवाल आता है कि ऐसे कौन से फॉर्मूला है जिनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी हमारी सैलरी से। तो वो फॉर्मूला है आपका जो मिलने वाला जो आपका जो मंथली जो पेंशन है वो इक्वल टू होता है आपका पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। यानी यह पेंशन हमें दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारी सैलरी कितनी है
और हम कितने साल तक सेवा किए। यहाँ क्वेश्चन आता है कि पेंशनेबल सैलरी क्या होता है। हमारे जीवन काल का जो लास्ट 60 महीना होता है उनका जो भी एवरेज निकलता है उन्हीं सैलरी को पेंशनेबल सैलरी कहा जाता है। यदि मेरा तनख्वाह 12,000 है तो लास्ट मेरा जो 60 महीने का जो 12,000 को जोड़ देंगे तो ही हमारा हो जाता है पेंशनेबल सैलरी। और पेंशनेबल जो सर्विस है वो साल होता है कि हम कितनी साल तक किए, 10 साल, 20 साल, 25 साल, ये होता है उसका पेंशनेबल सर्विस। और डिवाइडेड बाई 70 जब करेंगे तो ये हमारा निकल जाता है कि हमें कितना रुपया पेंशन के तौर पर मिलेगा। यहाँ नोट करने वाली बात ये भी है कि 1 सितंबर 2014 से पहले जो पेंशनेबल सैलरी का जो रेंज था वो 12 महीना था, जबकि 1 सितंबर 2014 के बाद वही पेंशनेबल सैलरी का जो एवरेज है वो 60 महीने हो गया। मैं आपको ईपीएस से जुड़ी कुछ टिप्स आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए यदि आपका सैलरी 20,000 है तो आप सोचते हैं कि लास्ट 60 महीने आपको 20,000 ऐड करके आपको एवरेज निकाल के मैं आपको पेंशनेबल सैलरी निकालूंगा, तो ये आप गलत सोचते हैं। क्योंकि 2014 के बाद यानी कि 1 सितंबर 2014 के बाद जो पेंशनेबल सैलरी का जो वैल्यू है वो 15,000 फिक्स किया गया है। यानी बोलते हैं मान लीजिए इसी व्यक्ति का यदि सैलरी 16,000 है तो लास्ट 16,000 को वो जोड़ेगी 60 महीना तक, तो ऐसे ईपीएस नहीं करती है वो। ईपीएस उनका जो लास्ट अमाउंट सैलरी ऐड करती है वो है आपका 15,000। यदि आपकी सैलरी 18,000 भी है तो वो 15,000 ही वो ऐड करेगी, वो 3,000 जो आपको ज़्यादा है उसको ऐड नहीं करेगी। यदि आपकी सैलरी 16,000 है तो भी आपका जो पेंशनेबल सैलरी है वो आपको 15,000 ही मैंने उसको काउंट करेगी। हाँ, यदि आपकी सैलरी 12,000 है तो आपको 12,000 काउंट करेगी, यानी 15,000 से ऊपर की सैलरी को ईपीएस काउंट नहीं करती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ईपीएस में जो किसी भी व्यक्ति को पेंशन पाने के लिए जो मिनिमम जो उसका ड्यूरेशन है उन्हें वो 10 साल तक काम करना पड़ेगा, और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो है आपका 35 साल। यानी यदि आप 35 साल से ज़्यादा भी काम करेंगे तो आपको 35 साल ही आपको जोड़ा जाता है। जब आप किसी कंपनी में 20 साल काम करते हैं तो आपका जो पेंशनेबल जो सर्विस में है वहाँ आपका 2 ऐड हो जाता है। यानी यदि आप किसी कंपनी में 20 साल काम किए हैं तो ईपीएस उसे 22 साल उन्हें समझेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में 25 साल काम किया है तो उसे ईपीएस उसे 27 साल ऐड करेगी। यदि कोई व्यक्ति 30 साल जॉब किया है तो ईपीएस उसे 32 साल ऐड करेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में 35 साल काम किया है तो ईपीएस उसे 37 ऐड नहीं करेगी बल्कि उसे 35 ही ऐड करेगी, क्योंकि जो पेंशन लेने का जो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो आपका 35। इसीलिए ईपीएस सिस्टम में किसी भी व्यक्ति को 7,500 से अधिक पेंशन नहीं मिलता है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को अगर एवरेज उनकी जो डिफरेंसेबल सैलरी अगर 15,000 जो मैंने अगर मान लेते हैं और उसे यदि उन पर जो टाइम पीरियड हम मान लेते हैं 35 साल है और जब हम उसको 70 से डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7,500। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति का जो ईपीएस के द्वारा जो मैक्सिमम पेंशन होगा वो है आपका 7,500। हाँ, अभी यदि आपकी टाइम पीरियड कम है तो इस हिसाब से अभी आपकी पेंशन कम होती जाएगी, जो आप इसी फार्मूला से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि आप कितने साल तक काम किए हैं और आपकी जो पेंशनेबल सैलरी कितनी है। जब आप दोनों को गुना करके 70 से भाग देंगे तो आपकी पेंशन की जो अमाउंट है वो आपको निकल जाएगा।